प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। ग्यारह बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके लिए हम पुलिस के सारे लोग सड़क पर हैं और आज दिन में हम लोगों ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक किया है और उनको शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है। सभी लोगों ने सहयोग के का आश्वासन दिया है और बाज़ारों में अनाउंसमेंट सिस्टम का शुरुआत की गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सारे लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के और दुकानें बंद करा दी गई हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब इसका अनवरत रूप से पालन करें। यदि कोई जानबूझ करके लगातार उपेक्षा कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो जो नियम संगत कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सर, जैसा कि आज 25 दिसंबर है, आज से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हुआ है, तो उसके लेकर आपकी क्या व्यवस्था है? शासन के निर्देश पर आज रात्रि में 11 बजे से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए हम पूरे पुलिस के लोग सड़क पर हैं और आज दोपहर में भी हम लोगों ने व्यापार मंडलों के साथ बैठक किया है। उनको जागरूक किया गया है कि अपना अनाउंस सिस्टम रखें। जो भी व्यक्ति आपके यहाँ खरीदारी करने के आते हैं, उनको मास्क लगाना अनिवार्य कराइए। यदि मास्क नहीं लगाए हैं तो सामान ना दें, ऐसा उनको बताया गया है। और लगातार इस बात को लेकर के हम लोग आज दिन भर पहले सबको जागरूक किए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम इस समय हजरतगंज चौराहे पर आकर के और सबको जागरूक करके सबको अपने अपने घरों को भेज रहे हैं। ज़्यादातर लोग निकल गए हैं, इक्का दुक्का लोग बचे हैं जो जा रहे हैं। हमने ये देखा कि हजरतगंज चौराहे पर ही आसपास के इर्द गिर्द जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे हैं, उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया है। यदि नहीं लगाए हैं तो उनको दोबारा कहा जाएगा कि दोबारा लगाएं, और यदि लगातार उनके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाएगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।